नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात 10 बजे उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाना जवा में किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके सूचना दी कि कासिमपुर इलाके में राख के बंधा पर एक युवक की लाश पड़ी है। मामला हत्या का था, इसलिए ड्यूटी अफसर ने यह जानकारी एसएचओ अवधेश कुमार को दे दिया। इस सूचना के बाद एसएचओ में पुलिस टीम के घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वह राख के बंधा पर पहुंच गए। वहां एक अज्ञात 23 से 24 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव पड़ा था। खून ताजा था, जिसे देखने से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि युवक की हत्या कुछ समय पहले ही की गई होगी। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा कि युवक की नृशंस तरीके से धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उसका गला रेता हुआ था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, शरीर पर भी कई घाव थे। कुछ देर में वहां काफी लोग जमा हो चुके थे, लेकिन कोई भी मृतक को नहीं पहचान सका। पुलिस ने मौके की कार्यवाही निपटाकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। अज्ञात लाश के मिलने की सूचना एसएचओ अवधेश कुमार ने जिले के सभी थानों में प्रसारित करा दिया। यह बात 20 फरवरी 2023 की है। कुछ समय पहले क्वारसी के नगला मल्लाह मोहल्ले की गली नंबर 6 के रहने वाले युवक गालिब खान के लापता होने की सूचना युवक के भाई तालिब ने थाना क्वारसी में दी थी। थाना क्वारसी पुलिस को देर रात जब यह जानकारी मिली कि थाना जवां पुलिस को एक युवक का शव मिला है, तो क्वारसी पुलिस ने हुलिया के आधार पर गालिब के घर वालों को इस बात की सूचना दिया। खबर मिलते ही गालिब का भाई तालिब, मामा इर्तजा आदि जवां थाने पहुंच गए। पुलिस ने मोर्चरी में रखे युवक के शव को उन्हें दिखाया तो तालिब ने उसकी शिनाख्त अपने 23 वर्षीय भाई गालिब खान के रूप में किया। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस लिया। पुलिस का अगला कदम अब हत्यारों तक पहुंचना था, लिहाजा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दिया। तालिब खान ने भाई की हत्या की रिपोर्ट उसकी प्रेमिका जरीन, उसके प्रेमी अयाज व जरीन के पिता के खिलाफ दर्ज करा दिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि जरीन ने 20 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे गालिब को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। गालिब स्कूटी लेकर बिना बताए चला गया और काफी देर तक नहीं लौटा। तब उसने भाई गालिब को फोन किया तो गालिब ने बताया कि जरीन व अयाज उसे जवां स्थित राख के बंधा पर ले आए हैं। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। इसके बाद फोन कट गया और स्विच ऑफ हो गया। तालिब की तहरीर पर पुलिस ने जरीन व अयाज के खिलाफ हत्या व जरीन के पिता के विरुद्ध धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने गालिब खान हत्या केस के अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम बनाई। टीम में सीओ मोहसिन खान, एसएचओ अवधेश कुमार, एसआई योगेंद्र कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार, महिला कांस्टेबल शिवानी आदि को शामिल किया गया। टीम का निर्देशन एसपी सिटी कुलदीप गुनावत को सौंपा गया। मुकदमा दर्ज करने के दूसरे दिन पुलिस टीम ने केला नगर निवासी अयास तथा रियास कॉलोनी निवासी प्रेमिका जरीन को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान 21 वर्षीय जरीन ने बताया कि गालिब खान क्वारसी थाने के नगला मल्लाह मोहल्ले में अपने भाई तालिब के साथ मामा इर्तजा खान के घर पर रहता था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। गालिब अपने भाई तालिब के साथ गैस हाकर का काम करता था, जबकि जरीन की मां बुटीक चलाती है और पिताजी नौकरी करते हैं। 5 साल पहले गालिब से उसकी मुलाकात हुई थी। गालिब उसकी मां की दुकान पर आने जाने लगा था। सुंदर जरीन को देखते ही गालिब उसका दीवाना हो गया था। दुकान पर आने जाने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों की आंखें मिलती तो जरीन शर्म से आंखें झुका लेती, फिर तिरछी नजरों से चोरी चोरी गालिब को देखती। गालिब भी जरीन के दिल की बात जान चुका था। पहली मुलाकात में ही जरीन ने गालिब की आंखों में अपने प्रति उमड़ता प्यार देख लिया था।
गालिब ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और जरीन भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। इसी के चलते दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही इसका पता नहीं चला। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। इस बीच दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए। दोनों आपस में बात करने लगे। जरीन को गालिब खान अपनी स्कूटी से घुमाने भी ले जाने लगा। वह उस पर काफी खर्च करता। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। उनके बीच अवैध संबंध बन चुके थे। गालिब आपराधिक किस्म का था। उसकी जरीन से दोस्ती जरूर हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे गालिब अपराध के रास्ते पर बढ़ता चला गया। उसके विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार जैसे मुकदमे दर्ज थे। भोपाल में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। इसी कारण जरीन ने अपने प्रेमी गालिब से दूरी बनानी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब गालिब जेल चला गया तो जरीन ने उसे छोड़कर अपना रास्ता अलग कर लिया। गालिब के जेल जाने के बाद केला नगर पत्थर वाली गली निवासी 22 वर्षीय युवक अयाज जरीन की जिंदगी में आया। अयाज ताला नगरी अलीगढ़ की एक हार्डवेयर फैक्ट्री में काम करता था। अयाज की दोस्ती जरीन से गहरी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। कुछ महीने पहले गालिब जब जेल से छूटकर आया तो उसने अपनी प्रेमिका जरीन से मिलने की कोशिश किया, लेकिन जरीन ने अयाज से संबंधों के चलते गालिब खान से दूरी बना लिया। वह जरीन को अपने साथ रहने के लिए उस पर तरह तरह के दबाव बनाने लगा, जबकि वह नए आशिक के साथ इश्क फरमा रही थी। वह अयाज को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। यह बात गालिब को अखरने लगी। गालिब को यह कतई बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी प्रेमिका उसके होते हुए किसी दूसरे की बाहों में दिखाई दे। वह सिरफिरे आशिक की तरह हो गया। जहां भी अयाज दिखाई दे जाता वह उसके साथ मारपीट कर देता। गालिब बहुत शातिर था। उसने पहले ही अपने और जरीन के शारीरिक संबंधों की एक वीडियो बना ली थी। गालिब उस अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जब चाहे तब दुष्कर्म करता था। इसी ब्लैकमेलिंग से आजिज आकर जरीन ने अपने प्रेमी गालिब से दूरी बनाई थी, लेकिन जेल से छूटकर आने के बाद वह फिर से वही काम करने लगा। एक माह पहले जरीन ने परेशान होकर गालिब पर मुकदमा भी दर्ज कराया था। जरीन ने कोर्ट में अर्जी देकर 11 जनवरी 2023 को गालिब के विरुद्ध दुष्कर्म, तेजाब से हमला करने तथा घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस पर कोर्ट ने थाना जवा को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इसमें गालिब के भाई तालिब खान और मौसी शबाना पर भी सहयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। जरीन ने गालिब पर कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इसी खुन्नस के चलते 10 फरवरी 2023 को गालिब ने जरीन के नए प्रेमी अयाज को केला नगर के बीच चौराहे पर पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद उसके बाल काट दिए। अयाज अपनी बेइज्जती तो जरीन गालिब की हरकतों से परेशान थी। पिटाई व बाल काटने की घटना ने आग में घी का काम किया। बस उसी दिन प्रेमी प्रेमिका ने गालिब से बदला लेने की ठान लिया। दोनों ने साथ साथ नुमाइश देखी। गालिब की हत्या के लिए उन्होंने नुमाइश से 650 रुपए में एक रामपुरी चाकू व उस्तरा भी खरीदा। अपने व प्रेमी अयाज के साथ 10 दिन पहले हुई घटना का बदला लेने के लिए प्रेमी युगल जरीन व अयाज ने गालिब की हत्या की पूरी योजना बेहद शातिर तरीके से फुल प्रूफ बनाई थी। गालिब को मिलने बुलाने के लिए फोन का इस्तेमाल करने पर वे फंस सकते थे। ऐसे में जरीन ने पुलिस से बचने के लिए इंस्टाग्राम पर आजाद नाम से अपना फर्जी अकाउंट बनाया। इसके बाद 20 फरवरी को फर्जी अकाउंट के जरिए गालिब को जरीन ने कॉल किया। जरीन की आवाज सुनते ही गालिब के चेहरे की चमक दोगुनी हो गई। जरीन ने उससे प्यार भरी बातें कर अपने जाल में फांस लिया, फिर उसे मिलने के लिए बुलाया। जरीन के प्यार में पागल गालिब उसकी चाल को नहीं समझ पाया और अपनी स्कूटी लेकर उससे मिलने पहुंच गया। उस समय जरीन बुर्का पहनकर गालिब की स्कूटी पर बैठकर शाम के समय उसे लेकर जवा क्षेत्र में स्थित राख के बंधा पर पहुंची। अयाज वहां पहले से ही छिपा बैठा था। वहां जरीन ने उससे प्यार मोहब्बत की बातें की। उसने गालिब को विश्वास में लेते हुए कहा कि वह उसके विरुद्ध दर्ज कराए मुकदमे को वापस ले लेगी। वह पहले की तरह उससे अब भी प्यार करती है।
तब जरीन ने बिना देर किए अपने पर्स से नशीली रबड़ी निकालकर गालिब को खिलाई। इस रबड़ी में जरीन ने पहले से ही नशीली गोलियां मिला दी थीं। दीवाना गालिब पूरी तरह जरीन के प्यार में मदहोश हो गया था। उसने खुशी खुशी रबड़ी खाली। रबड़ी खाने के कुछ देर बाद ही गालिब बेहोश हो गया। उस समय तक रात घिर चुकी थी। गालिब के बेहोश होते ही उसने अयाज को बुला लिया। अयाज और जरीन ने मिलकर नुमाइश से खरीदे चाकू व उस तरह से गालिब का गला रेत कर हत्या कर दिया। उसका गला रेतने के साथ ही हाथ के पंजे काटे, आंखें अंगुली डालकर बाहर निकाल लिया। गालिब खान का मर्डर करने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। प्रेमी जोड़े ने जिस दरिंदगी से हत्या को अंजाम दिया, उसी अंदाज में उन्होंने खुलकर पुलिस के सामने सच भी बयां किया। जरीन ने साफ कहा कि उसने खुद के साथ दुष्कर्म और अयाज की पिटाई व बाल काटने का बदला लिया है। अयाज अपने साथ की गई मारपीट व बेइज्जती तथा जरीन अपने ऊपर किए गए हमले व सरेराह परेशान करने से आजिज आ चुकी थी, इसलिए दोनों ही गालिब को अपना जानी दुश्मन मान बैठे थे। किसी भी तरह उसकी हत्या कर अपने रास्ते से हटाने की ठान ली थी। अपने नए प्रेमी द्वारा पहले प्रेमी की हत्या कराकर जरीन के दिल को बहुत संतुष्टि मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक पर 18 बार चाकू और उस्तरे से वार किए गए थे। शव की हालत देख पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों तक ने दांतों तले अंगुली दबा ली। पुलिस ने उनसे नृशंस हत्या की वजह जानी तो बताया कि उन्होंने नौसिखिए होने के चलते तब तक उसके गले, पेट और पीठ पर वार किए जब तक वह मर नहीं गया। वहीं आंख नोचने और हाथ के पंजे काटने की वजह उसके प्रति गुस्सा बताया। प्रभारी सीओ मोहसिन खान ने बताया कि गालिब की हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और उस्तरा और गालिब का टूटा हुआ मोबाइल फोन हत्यारोपी अयाज की निशानदेही पर घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर आगे राख के बंधा के पास स्थित सूखे नाले की दरार से अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद कर लिए। इसके साथ ही दोनों के खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए। इन कपड़ों को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया ताकि न्यायालय में इनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। वहीं पुलिस ने मृतक गालिब की स्कूटी को घटनास्थल से बरामद कर लिया। दोनों अलीगढ़ से भागने की फिराक में थे। गिरफ्तार प्रेमी युगल जरीन व अयाज ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद वे अलीगढ़ छोड़कर भागने की फिराक में थे। इसी इरादे से वे अलीगढ़ जंक्शन पर पहुंचे थे, लेकिन मन पलटा तो दोनों ने होटल में कमरा ले लिया और वहीं खून से सने अपने कपड़ों को बदला। फिर दोनों ने विचार किया कि अगर हम लोग इस तरह यहाँ से गायब हुए तो पुलिस उन पर शक करेगी। फिर उन्होंने तय किया कि वे अपने अपने घर जाते हैं। जब आसपास के लोगों की नजरों में वे अपने अपने घर पर ही रहने का नाटक करेंगे तो उन पर कोई शक नहीं करेगा। इसके बाद मंगलवार शाम को वे अलीगढ़ छोड़ देंगे। हत्यारोपी जरीन का एक भाई बड़ा और दो छोटे हैं। युवती के पिता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संविदाकर्मी हैं। जरीन वर्तमान में अपने घर से ही पढ़ाई कर रही थी। पुलिस जरीन के पिता की तलाश कर रही थी। पुलिस ने 21 फरवरी 2023 को ही दोनों हत्यारोपियों जरीन व उसके नए प्रेमी अयाज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से दोनों को जेल भेज दिया। गालिब हत्याकांड का 24 घंटे में पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी कलानिधि नैथानी ने ₹15,000 का इनाम देने की घोषणा किया। इस त्रिकोणीय प्रेम में पूर्व प्रेमी को आखिर कातिल प्रेमिका ने षड्यंत्र रचकर दर्दनाक मौत देकर उसकी जिंदगी का ब्रेकअप तो कर दिया, लेकिन अब उसके नए प्रेमी को केवल जेल की सलाखें ही हासिल हुई। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।